तो भाई उसी कपड़ों में आज के ऑफिस से निकल चुके हैं डायरेक्ट हम लोग एक जगह पार्टी पुटी करने। भाई का है बर्थडे कल है, तो हम लोगों ने सोचा क्योंकि आज जहां हम लोग जा रहे हैं वहां बॉलीवुड नाइट है। अब किसी और क्लब में जाते तो सब जगह वो तमिल वगैरह ये है कहना, क्योंकि हमें एक क्लब मिला है जहां पे थर्सडे में सिर्फ बॉलीवुड नाइट है। बाकी हर में यार जो मतलब यहां का अच्छा महंगा क्लब है वो है पाशा, शायद जो चेन्नई का होगा वो जानता होगा पाशा के बारे में। बट वहां पे तमिल गाने बजते हैं और कपल एंट्री है। अब यार कपल के लिए हम लोगों ने पूछा बट कोई राजी नहीं हुआ। भाई मैंने नहीं पूछा, मेरी वाइफ ही वीडियो देखती है। भाई मैंने समझ जाओ। मैंने नहीं पूछा भाई, है ना। तो अब तो अब वही है, एक भाई का बर्थडे। अब बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे कल, क्योंकि रात में 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाएगा। 12 बजे तक वहीं पे अपना हो जाएगा, देखते हैं इंजॉय करेंगे। क्योंकि उसके बाद हम शायद संडे को बिछड़ जाए शायद, तक जहाँ तक हो कि एक जना हैदराबाद एक जना बैंगलोर हो जाएगा। तो यार वो अलग हो जाए तो हम सोचा जितने दिन है काट लेते, काट लो एक साथ, फिर उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि अभी हमें ये भी नहीं पता कि हम कितने दिन बाद दिल्ली जाएंगे। ये तो मेन दिक्कत हुआ है ना, क्योंकि अभी तो अभी बात महीनों पर चल रही है कि 2 महीने लगेंगे 3 महीने लगेंगे, शायद से क्या पता दिवाली हो जाए। भाई कोई भरोसा नहीं ना, बात वही है, बात वही है। तो इसलिए कोई नहीं, देखते संडे तो काटेंगे। 2 दिन और बच रहे हैं, आज थर्सडे बीत ही गया, कल फ्राइडे सैटरडे है, दो दिन है, मौज करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, खाएंगे पिएंगे। यार 200 से ऊपर तो आ ही नहीं रहे अपन, जाएंगे। एक दिन गए थे, आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, जो पंजाबी ढाबा में रहते हैं। अरे वो टेस्ट नहीं है जो दिल्ली वाला टेस्ट आता है, वो सिर्फ एक ये था कि आपको एक रोटी मिल गई आटे की और साथ में पनीर की सब्जी मिल गई, बस वही वाला टेस्ट था और कुछ बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। बट ठीक है यार, नाम मुझे दिल्ली ढाबा पर दिल्ली वाला टेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। पंजाबी भी लिखा था कि तो पंजाबी के नाम पर तो ठीक है। यार मैं तो पहले तो मैं भी चावल खा रहा था, मैं चल एक बार चावल खा लिया, पर अब तो चावल खाना भी छोड़ दिया भाई। डेली मैं वही खाता हूँ, क्या कहते हैं, पास्ता खा लेता हूँ। आप लोगों ने आज देखा ही होगा कि आज मैंने दिन में लंच भी नहीं किया, मैंने आज वो पी ली भाई, वो बादाम शेक आता है, बादाम शेक पी लिया मैंने कि भाई वैसे ही कितना चावल खाएगा भाई, कोई कितना ही सांभर लपेटेगा, एक ही चीज़ चल रही है डेली, साइकिल बन गई है। कम से कम घर पर ये तो होता था, आज आलू मिल रहा है तो आलू के साथ कभी आलू गोभी हो गई, आलू ये हो गए, राजमा हो गया, आलू पता होता है हो क्या है कि अगर हम कहीं निकलते हैं लोग सोचते रहे हैं मजे काट रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बट लिटरली अगर आप फैमिली से दूर आते हो ना तो भाई स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, नेक्स्ट लेवल का स्ट्रगल है खाने का लेके, हर चीज़ का लेके। आप किसी भी सिटी में आप एडजस्ट हो रहे हो तो वो चीज़ है यार कि आपको पूरी की पूरी मतलब एक लेवल लेके चलना पड़ता है कि आपको अपनी पॉकेट भी देखनी है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी नहीं करने है ना, और फिर घर के लिए भी कुछ चीज़ें देखनी होती है कि भैया कुछ बचाना है, कुछ सेविंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें। तो यार जो भी ये सोचते हैं ना कि हाँ ये तो बड़े मज़े काट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बट बिहाइंड चल रहा है जो मैं आपको शो कर देता हूँ ना, ये सारे हैप्पी मोमेंट्स हैं, थोड़े एक्साइटिंग मोमेंट्स हैं, बट इतनी बैक साइड जो हम लोग खेल रहे होते हैं ना वो चीज़ें दिखाता है। अभी ये आया वहाँ से, कहता यार आज तो मैंने ब्लड भी डोनेशन कर दिया, थक गया हूँ, मैंने कोई बात नहीं चलते हैं। तो यार अब जाएंगे, मूड फ्रेश होगा, नहीं तो वही है यार अगला दिन बड़ा बेकार जाता है, कुछ नहीं है, रात को सो जाओ। आप इंस्टा पे रील कितनी देर स्क्रॉल कर लोगे, 5 मिनट 10 मिनट, हम तो भाई 3-3 घंटे कर लेते हैं। और यहाँ पे भाई जिस होटल में है उसमें सब्सक्रिप्शन में रखा, अब आप जानते हो फ्री पे भाई डीडी नेशनल चल रहा है, डीडी नेशनल में क्या ही चल रहा होगा, और एक आध जो है तमिल का बचता है उसको कुछ मज़ा भी नहीं आता, बस वही वाली चीज़ है। अच्छा है कि आपको नेगेटिव फीलिंग है, सच्चा निकल लो भाई कहीं बाहर, बढ़िया बाहर निकल ले, थोड़ा खर्चा होगा मोटा, उधर के मैनेजर को तो किया है सेट, अब देखते हैं वहाँ जाके बातचीत होती है। उधर के मैनेजर की स्टोरी बहुत लंबी है, वो कभी फ्री होकर बताएंगे, फ्री होकर बढ़िया से बताएंगे, हो सके तो कल बता देंगे, कल वाले में कल बता देंगे आपको उसका क्या हुआ था सीन, और उस सीन का जैसे वो आज हमारी इतनी रिस्पेक्ट करेगा आपको दिखाएंगे एकदम सलाम ठोकेगा, सलाम ठोकेगा भाई जाते जाते, उसको हमने अच्छा लपेटे में लिया हुआ था भाई, उसको बना रहा भाई तगड़ा, क्या ही बना रहा होगा। चलो कोई नहीं, एनीवेज सीधा मिलते हैं क्लब के अंदर।